मारेंगे मुंह पे भाई 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 इधर मत खेलो यार। हेलो हेलो हेलो, गिर ना जाऊं कहीं यार। तो भाई देख सकते हो भाई, छोटा सा भाई है, कितनी प्यारी इसकी कर रहा है यार। ये देखो भाई, मतलब 4 साल का था तब से कर रहा है, बहुत ही प्यारी इसकी कर रहा है भाई। ये देखो हो रही है ट्यूब स्लाइड। ओ भाई, मतलब फुल मजे यार, फुल एंजॉय होने वाले भाई नारकंडा में। उड़ गया मैं, बच गया भाई। ये चल रही है भाई, देखो जिप लाइनिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं अभिषेक और मैं हूँ उस टाइम शिमला के नारकंडा में, और आज डेट है 6 मार्च। तो भाई मैं आया हूँ शिमला पूरा एक्सप्लोर करने के लिए, और आज हूँ नारकंडा में। तो मैं आप लोगों को नारकंडा की एक एक इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। अगर आप शिमला से नारकंडा आ रहे हैं तो भाई नारकंडा कैसे पहुँच सकते हैं, बाई बस कैसे पहुँच सकते हैं, अगर आप पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो कैसे पहुँच सकते हैं, नारकंडा में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अगर आप नारकंडा आ रहे हैं तो स्नो ड्रेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, स्नो शूज़ लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो यार वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए नारकंडा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है मेरा शिमला में 3रा दिन जिसमें मैं जाने वाला हूँ नारकंडा। तो उसके लिए मैंने कैब बुक कर लिया, कैब आने वाली है 10 से 15 मिनट में। तो सोचा यार जब तक कैब आएगी उससे पहले आप लोगों को हॉस्टल के बाहर का व्यू चेक करा देता हूँ यार। तो व्यू देखिए यार कितना प्यारा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो व्यू कितना प्यारा है। ये सामने रोड जा रहा है रेलवे स्टेशन, और यार व्यू चेक करो, ये सामने एक आपको मंदिर मिलेगा, और मंदिर के जस्ट बगल से आर्मी वालों का जो ट्रेनिंग हॉस्टल है वो भी मिलेगा, और यहीं सामने अपना हॉस्टल है, वो सामने अवज हॉस्टल। तो मैंने जो हॉस्टल लिया था वो लिया था रेलवे स्टेशन और ISBT बस स्टैंड के जस्ट पास, जो कि मेरे को पड़ा था 400 पर नाइट। और ये बेड है, इसमें आपको एक ब्लैंकेट, एक पिलो, एक फैन, LED लाइट और चार्जिंग सॉकेट, लॉकर ऊपर और नीचे 2 लॉकर मिलते हैं। तो भाई गाड़ी अपनी आ चुकी है और बैठते हैं और निकलते हैं अब यहाँ से। तो भाई मैं हूँ इस टाइम देखो शिमला में, और ट्रैफिक देख सकते हो यार, मतलब कितना ज़बरदस्त ट्रैफिक लगा है यहाँ भाई। ट्रैफिक का तो पता ही नहीं यार, 15 मिनट से ऐसा ही ट्रैफिक है। तो भाई आज की जो हमारी जर्नी हो रही है शिमला टू नारकंडा, तो हो रही है भैया के साथ। भैया आपका नाम क्या है? भैया सोनू। भैया का नाम सोनू है, और भैया के साथ हमारी जर्नी हो रही है। तो यहाँ से कितना दूर है नारकंडा? नारकंडा 65 किलोमीटर के बीच है भैया, मतलब अराउंड 65 से 70 किलोमीटर है, जिसमें पहुँचने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। और भैया का कॉन्टेक्ट नंबर हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से भैया से संपर्क कर सकते हैं। तो भैया जो मेरे व्यूवर आएंगे उनको डिस्काउंट मिलेगा? डिस्काउंट देंगे भैया। तो भैया अगर डिस्काउंट देने वाले हैं, अगर आप आएंगे और भैया से संपर्क करेंगे और मेरा नाम कोई लेगा अभिषेक पाठक ब्लॉग, पक्का डिस्काउंट मिलेगा भैया। तो भैया डिस्काउंट देने वाले हैं भाई, तो यार चलते हैं हम। और अगर आप आ रहे हैं तो भैया से एक बार संपर्क कर लें, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई मैं आ चुका हूँ इस टाइम न्यू बस स्टैंड। अगर आप नारकंडा जाना चाहते हैं बस से, तो आपको यहीं से बस मिलती है डायरेक्ट, जो कि पहली बस है वो आपको मिलेगी 9 बजे, और बाकी बस टाइमिंग के हिसाब से चलती है। नारकंडा कुफरी के लिए आपको न्यू बस स्टैंड यहीं से बस मिलती है। तो भाई हम इस टाइम आ चुके हैं कुफरी, और यहाँ से जो नारकंडा है आप लोगों को दिख रहा होगा वो है समथिंग 48 किलोमीटर। और यहीं आप बस से अगर आप आएंगे तो बस वाले आपको यहीं ड्रॉप करते हैं, फिर आपको यहाँ से सुमो वगैरह लेनी पड़ती है, तो आप चले जाते हैं डायरेक्ट। ये रास्ता जा रहा है सामने कुफरी के लिए, और हम चल रहे हैं नारकंडा। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये मेरे को गाड़ी पड़ी थी ऑल्टो शिमला से नारकंडा तक, इसका मैंने पे किया था 1500 रुपये, और गाड़ी वाले आपको बताते हैं भाई 1800, 2000, 2200, 2500 तक बताते हैं। तो भाई आपको नहीं देना है, आप बार्गेनिंग करेंगे तो 1500, 1600, 1700 रुपये में हो जाएगी, वो आपके लिए बेस्ट है, जिसमें आप 3 से 4% ऑल्टो में जा सकते हैं। अगर आप सोलो हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है बस। तो भाई हम निकल चुके हैं कुफरी से समथिंग 10 किलोमीटर आगे, और व्यू देखो यार कितना प्यारा आ रहा है, चेक करो यार दोनों साइड पहाड़ों का व्यू, और यार जो ऊपर घर है ना देखो पहाड़ों पे यार कितने प्यारे लग रहे हैं। व्यू चेक करो यार, सामने स्नो दिख रही है पहाड़ों पे, शायद आप लोगों को कैमरे की वजह से क्लियर ना हो रही हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्नो है सामने पहाड़ों पर। तो भाई देख सकते हो मैं नारकंडा पहुंचने वाला हूं, नारकंडा यहां से समथिंग 6 से 7 किलोमीटर है, और स्नो देख सकते हो भाई रोड पे काफ़ी ज़्यादा है, दोनों साइड इतनी ज़्यादा स्नो है, तो नारकंडा में तो यार बहुत ज़्यादा स्नो मिलने वाली है। तो यार बैग पैक करो और आ जाओ नारकंडा, देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्नो है। तो भाई हम पहुँच चुके हैं नारकंडा, और देख सकते हो
अगर आप आओगे तो बस आपको यहीं सामने ड्रॉप करती है। तो भाई टाइम हो चुका है 12 और मैं पहुंच चुका हूं इस टाइम नारखंडा, और जो मेरे पीछे ये बस खड़ी है ये जा रही है भाई शिमला। जब आप आओगे शिमला से बस से तो बस आपको यहीं ड्रॉप करती है। ये है नारखंडा का बस स्टैंड, देख सकते हो आप लोग, और मैं आप लोगों को एक बार बस भी दिखा देता हूँ। तो ये बस जा रही है डायरेक्ट शिमला, और जब आप आओगे तो यहीं ड्रॉप करोगे और यहीं से आपको मिलती है शिमला के लिए। और ये सामने मंदिर है महादेव मंदिर। तो हम चलते हैं यार एक्टिविटी जोन तक। तो ये है अपना नारखंडा का सामने बस स्टैंड, और ये दिख रहा है ये महादेव टेम्पल है। और इसी से जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है आपको, इस पर चलना पड़ेगा आपको समथिंग 300 से 400 मीटर, तो आप पहुँच जाएंगे एक्टिविटी जोन तक। तो चल रहे हैं हम, और आप लोगों को एक एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में। तो यार वीडियो को लास्ट तक देखें पूरा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप भाई अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पर पेड पार्किंग भी मिल जाएगी, जो कि देख सकते हो जस्ट मेरे पीछे है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये देखो भाई, ये है पेड पार्किंग, यहाँ आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये गाड़ी पार्क हो भी रखी है यहाँ पर। भाई जैसे ही आप बस स्टैंड से आगे की तरफ बढ़ोगे एक्टिविटी जोन तक, तो आपको स्नो ड्रेस और स्नो शूज़ यहीं पर मिल जाएंगे, अगर लेना है तो ले सकते हैं यहाँ पे। और स्नो देख सकते हो यार कितनी ज़्यादा है। तो इसी रूट को फॉलो करते हुए हम चलेंगे 300 मीटर आगे तक, और 5 से 10 मिनट में पहुँचेंगे एक्टिविटी जोन। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ इस टाइम नारखंडा एक्टिविटी जोन, जो कि जस्ट मेरे सामने है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप शिमला आ रहे हैं ना तो भाई कुफरी मिस कर देना यार, वहाँ कुछ नहीं है कीचड़ के अलावा, कुछ नहीं है, मतलब नारखंडा यार जरूर आना। देख सकते हो भाई इतनी ज़्यादा स्नो मिलने वाली है नारखंडा में आप लोगों को, देखो भाई लाजवाब स्नो मिलने वाली है। तो एक भाई है, भाई कैसा लगा नारखंडा में? बेस्ट, एपिक। स्नो कितनी है? बहुत बहुत ज़्यादा। तो भाई देख सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ स्नो मिलने वाली है भाई, मज़ा आ गया भाई। स्नो कितनी है? अच्छी खासी है। कुफरी गए थे क्या? क्या कुफरी होके आए क्या? हाँ जी हाँ जी। कुफरी में क्या था? कुफरी में बर्फ वगैरह थे, हम लोग साइट सीइंग कर रहे थे। कीचड़ ज्यादा था? कीचड़ था भाई। कीचड़ यहाँ मिलने वाला है भाई? यहाँ नहीं मिलने वाला। ये देखो भाई लाजवाब स्नो मिलने वाली है। आप लोग अगर आ रहे हैं ना तो यार कुफरी मिस कर दो यार, भाई नारखंडा जरूर आओ यार एक बार, देखो स्नो। तो भाई अगर आप नारखंडा आ रहे हैं ना तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन टिप्स देता हूँ। जब आप नारखंडा बस स्टैंड पे आ जाओगे ना, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ के जो एजेंट होते हैं वो मिलते हैं, बोलते हैं भाई 2000 रुपये लगेगा, सारी एक्टिविटीज़ कराएंगे, स्नो ड्रेस देंगे, स्नो शूज़ देंगे। तो यार वहाँ से आपको नहीं लेनी है, लेना है तो सिर्फ गमबूट ले लेना, क्योंकि आपको यहाँ स्नो मिलेगी तो आपके शूज़ ख़राब हो सकते हैं। बल्कि अगर आपको बर्फ़ में खेलना है तो स्नो ड्रेस लेनी है, वरना नहीं लेनी है, 500 रुपये बेस्ट जाएगा। क्योंकि यार देख सकते हो बर्फ़ी बर्फ़ है, कीचड़ वगैरह यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और एक्टिविटीज़ यार वहाँ से मत लेना, आप आ जाना डायरेक्ट एक्टिविटीज़ जोन में, और यहाँ पर आपको जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी कम दाम में मिलेंगी, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा रेट बताते हैं। तो भाई मैं आ चुका हूँ देख सकते हो एक्टिविटी जोन, और आप लोगों को दिखाते हैं भाई व्यू। तो देख सकते हो भाई मतलब कितना प्यारा व्यू, और कितनी ज़्यादा स्नो मिलने वाली भाई, देख सकते हो बहुत ज़्यादा। तो भाई यहाँ हो रही है ट्यूब स्लाइड, और प्रशांत रेडी है ट्यूब स्लाइड करने के लिए। भाई देख सकते हो मतलब आ रहे हो नारखंडा तो यार ट्यूब स्लाइड ज़रूर करना। ये देखो भाई, और क्राउड देखो यार बहुत ही कम मिलने वाला है आपको, और लेकिन सुकून मिलने वाला है भाई। आ रहे हो तो इस जगह जरूर आना नारखंडा। गिर ना जाऊं कहीं यार। ओ भाई यार। तो भाई कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है, काफी मेहनत लगी यार बनाने में, देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है ना। तो भाई देख लो ये कलाकारी है तुम्हारे भाई की, और भाई देख सकते हो बोलो बहुत मेहनत लगी यार। एक बार लाइक कमेंट इसके लिए और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर शिमला आ रहे हैं तो नारखंडा जरूर आइए भाई, और कुफरी से 10 गुना ज्यादा बर्फ और सुकून भी। ये भाई भाई जा रहे थे मनाली, ये देखो पूरी मस्ती हो रही है। भाई जा रहे थे मनाली तो मैंने बोला यार मनाली मिस करो, नारखंडा चलो, मतलब नारखंडा में यार देख सकते हो भाई सुकून मिलने वाला एक नंबर। ये देखो पीछे भाई क्राउड बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। अगर आप आ रहे हैं भाई, नई शादी हुई है तो बीवी को लेके आ जाओ, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड को लेके आ जाओ यार, बहुत सुकून मिलने वाला है। कुफरी में ना सिर्फ क्या था, कीचड़ और स्नो मिलने वाली नहीं है भाई। नारखंडा आ जाना, शिमला आ रहे हैं तो कुफरी मिस कर देना यार, नारखंडा जरूर आना, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ मज़ा आने वाला है आप लोगों को। और मैं बता दूँ एक्टिविटीज़ जोन में आ जाओगे तो आपको यहीं पर मिल जाएगी जिपलाइनिंग और ट्यूब स्लाइड। अगर आप बस स्टैंड के पास से पैकेज लेते हैं तो भाई उसका लगता है 1000-1500 बोलते हैं। अगर आप यहाँ आओगे तो जो जिपलाइनिंग है इसका चार्ज है 300 पर पर्सन, और जो ट्यूब स्लाइड है इसका चार्ज है 200 पर पर्सन। तो आप यहीं आकर भाई ये सब एक्टिविटीज़ करना। तो भाई देख सकते हो भाई छोटा सा भाई है, कितनी प्यारी इसकी कर रहा है यार। ये देखो भाई मतलब 4 साल का था तब से कर रहा है, बहुत ही प्यारी इसकी कर रहा है भाई। ये देखो गजब यार, मज़ा आ गया भाई इसकी देख के भाई की, छोटा सा भाई है 12 साल का यार। तो भाई यही भाई है जो बहुत ही प्यारी इसकी कर रहा है, तो मैंने सोचा यार भैया से बात करूँ। भैया आपकी एज कितनी है?
और नाम क्या है? तंजिन। भैया का नाम तंजिन है और यहीं के हो क्या, लोकल के? हाँ जी लोकल है। तो भैया नारकंडा के ही रहने वाले हो, छोटा सा यार भाई अपना और इतनी प्यारी इसकी कर रहा है, तो कितना एक्सपीरियंस है आपको इसका? जब मैं 4 इयर्स का था तब से कर रहा हूँ। भाई भाई मतलब 4 साल के थे तब से कर रहे हैं और बहुत ही प्यारी इसकी कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इसकी प्यारी लगी हो तो भाई भाई के लिए कमेंट कर देना। और भाई यहीं के हैं तो भाई फिर से एक बार दिखाओगे क्या? हाँ जी। तो भाई फिर से एक बार करके दिखाएंगे और आप लोग भाई की इसकी के लिए बहुत सपोर्ट करिए। ये इंटरनेशनल की तैयारी कर रहे हो क्या आप? हाँ जी। तो भाई कर रहे हैं ये इंटरनेशनल इसकी की तैयारी कर रहे हैं, तो यार बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक यू। भाई 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 इधर मत खेलो यार। हेलो 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 भैया, भाई इधर मत खेलो, इधर मत जाओ, ये खराब हो जाएगा भाई। इधर यार यार इस साइड आओ भाई। ये चल रही है देखो जिपलाइनिंग, यार मतलब क्या ही स्नो और व्यू और साथ में जिपलाइनिंग, मजा ही अलग है भाई ये देखो। तो फ्रेंड्स अब मैं बात कर लेता हूँ, अगर आप नारकंडा आ रहे हैं तो यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? तो यहाँ होती है ट्यूब स्लाइड मिल जाएगी आपको, और जिप लाइनिंग भी यहाँ होती है, और इश्की भी यहाँ होती है। जो जिप लाइनिंग के चार्ज हैं वो हैं भाई 300 पर पर्सन, अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाता है। और जो ट्यूब स्लाइड है उसका चार्ज है 200 पर पर्सन, अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो भाई उसमें भी कम ज़्यादा हो जाता है। और शिकी है जो उसका चार्ज है 500 पर आवर, तो भाई अगर आप बार्गेनिंग करें भाई दबा के करें, मतलब अगर आ रहे ना बार्गेनिंग हर जगह करनी है आप लोगों को। तो फिर टाइम हो चुका है 3:30 और अब हमारा यहाँ से हो रहा है निकलने का टाइम, क्योंकि यार भूख लग रही है काफ़ी तेज़ और यहाँ फ्रूट्स वगैरह तो है नहीं। आज है ट्यूसडे, मेरा था फास्ट तो मैगी वगैरह खा नहीं सकता, तो चलते हैं पहले कुछ खाएंगे और फिर हम निकलेंगे अपना शिमला के लिए। तो आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप बस से आ रहे हैं या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो कोशिश करना 3:30 से 4 बजे तक यहाँ से निकल जाना, और बस से आ रहे हैं तो कोशिश करना कि 3 बजे तक निकल जाएं, क्योंकि इस रूट पर जो बसेस के ऑप्शन हैं वो काफ़ी कम है। तो ऐसा ना हो कहीं आप यहीं फंस जाओ फिर आपको रात में यहीं स्टे करना पड़े, तो भाई कोशिश करना कि 3:30 बजे तक निकल जाएँ शिमला के लिए। तो भाई निकल चुके हैं नारकंडा से, और क्योंकि यार टाइम भी 3:30 हो चुका तो चलना ही था, क्योंकि यार फिर शिमला यहाँ से पहुँचने में समथिंग 2 घंटे लगते हैं। तो मयूर भाई कैसा लगा यार यहाँ आके? अच्छा, बहुत अच्छा भाई, मतलब आप 3 घंटे 3:30 घंटे से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकते यार, इतना ज़्यादा ठंडक है। और स्नो देख सकते हो, मतलब इतनी ज़्यादा स्नो है, बहुत ज़्यादा बर्फ। और ऊपर जाते हैं ना जब ज़्यादा चढ़ के तो ऑक्सीजन भी देखता है भाई, ऑक्सीजन की कमी होने लगी भाई। काफ़ी अच्छा प्लेस है, अगर आप आ रहे हो ना शिमला तो यार कुफरी मिस कर दो यार, लेकिन नारकंडा जरूर आना यार। तो चलते हैं अपनी गाड़ी जो पार्किंग में खड़ी है वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ से बैठेंगे और 2 घंटे में पहुँचेंगे शिमला। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपको नारकंडा में स्टे करना है तो भाई आपके पास काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे, और इसका जो चार्ज होता है वो होता है भाई 1000 से लेकर 1500। तो भाई आ चुके हैं अपनी पार्किंग में जो बस स्टैंड के पास ही है, और अपनी गाड़ी ये खड़ी है पीछे, तो चलते हैं और गाड़ी में बैठते हैं फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो भाई निकल चुके हैं गाड़ी में बैठ के शिमला के लिए, और टाइम हो चुका है 4, यानी 2 घंटे में हम 6 बजे तक शिमला पहुंच जाएंगे। और भाई मजा तो काफी ज्यादा आया, मयूर भाई मजा आया कि नहीं आया भाई? बहुत मजा आया, बहुत भाई, बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत थी बर्फ भी बहुत था भाई, मतलब सुकून ही अलग था यार। कुफरी मिस कर देना भाई, लेकिन नारकंडा जरूर आना एक बार। और आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।